Hello, good morning student. Welcome to the class of mathematics. Student, today we are starting our new chapter of our mathematics. And our chapter number 1 from part 2 of mathematics of 11th standard. 11th standard का जो second part है हमारा math, जो second part वाली book है, ये वाली book. Student वाली book. Second part है हमारी 11th standard की. इसका हमारा first chapter है कॉम्प्लेक्स नंबर. यह वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ चैप्टर क्या है. स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टर्म पूरा का पूरा नया टर्म है आप लोगों के लिए. आप लोगों ने आज तक कभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये पढ़े नहीं होंगे. तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये सब हम ये चैप्टर में देखने वाले. सबसे पहले स्टूडेंट एक इक्वेशन कंसिडर करो. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. तो इसके कुछ सॉल्यूशंस होंगे. तो इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जैसे ये है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ये साइड आ जाएगा प्लस टू, तो ये साइड आपको माइनस हो जाएगा. टेकिंग अंडरस्कोर, अब मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां टेकिंग अंडरस्कोर अंडर रूट ऑन बोथ साइड लूंगा. तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस वन. बट स्टूडेंट देखिए यहां पे हम लोगों ने आज तक कभी माइनस वन का अंडर रूट पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है. ये पूरा का पूरा नया है हमारे लिए. कभी आप लोगों ने माइनस वन का अंडर रूट कभी नहीं फाइंड किया आज तक 10th क्लास तक के आप लोगों ने फाइंड नहीं किया. स्टूडेंट ये जो माइनस वन है, तो स्टूडेंट इसके लिए इसकी वैल्यू क्या है, इसके लिए हमें कुछ नए टर्म्स पढ़ना पड़ेगा, वो हम याले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फिर माइनस वन का अंडर रूट कभी हम लोगों ने फाइंड नहीं किया, तो फिर इसके लिए हम लोगों ने माइनस ऑफ अंडर रूट को कंसीडर करते हैं आई. यहाँ पे आई क्या है, अंडर रूट ऑफ माइनस वन. यहाँ पे आई को हम बोलते हैं इमेजिनरी. ये आई क्या है, यहाँ पे एक इमेजिनरी लिमिट है. इमेजिनरी लिमिट मींस ये रियल है, इट डज नॉट आई कभी रियल से है ही नहीं, एक इमेजिनरी लिमिट है. इसको हम लोग बस कंसीडर कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, और इसको हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं. आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ माइनस वन. ठीक है, लिख लो इसको. स्टूडेंट अभी हम लोगों ने एक टर्म देखा आई. आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है. तो एक इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन आपको बता देता हूँ. क्या इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर ऑफ द फॉर्म बी इंटू आई. बी आई मीन्स बी इंटू आई. आई क्या हमारा इमेजिनरी टर्म है, आयोटा. इसको आई को आयोटा भी बोलते थे. बी को भी इसको आयोटा बोलते हैं. आई को बी इंटू आई, वेयर आई इज अंडर रूट ऑफ माइनस वन. आई अंडर रूट ऑफ माइनस वन है एंड इट्स कॉल्ड ए इमेजिनरी नंबर, ए नंबर ऑफ द फॉर्म बी आई, वेयर आई बिलोंग्स टू अंडर रूट आई. अंडर रूट वन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, where b comes to real number. यहाँ पे क्या b हमारा क्या होगा, real number है. minus one, minus two, minus three या फिर zero, one, two, three कुछ भी रह सकता है हमारा यहाँ पे b. ऐसे form, ऐसे कोई भी number ऐसे form का होगा, इसको हम imaginary number बोलते हैं. और सुनो imaginary number का example देख लेते हैं. आपको imaginary number का example बताता हूँ. under root of minus 25, ये क्या है, imaginary number है. तो इस पर 2i imaginary number है, 2 into i. यहाँ पे b हमारा 2 है और i
हमारा आई होता है इंग्लिश में। फिर 22 बाय 7 ये हमारा यहां पे बी हो गया इनटू आर माइनस 11 आर यहां पे हमारा बी क्या हो गया माइनस 11। स्टूडेंट देखो यहां पे क्या है पहला ये सब क्या हम एग्जांपल है मैंने दिया स्टूडेंट यहां पे जो पहला एग्जांपल है क्या है अंडर रूट माइनस 25 अंडर रूट माइनस 25 को स्टूडेंट इसको मैं 5 आर लिख सकता हूं इसको 5 आर कैसे लिखता अंडर रूट माइनस अंडर रूट 25 को स्टूडेंट मैं माइनस ऑफ अंडर रूट को मैं आई स्क्वायर लिख सकता हूं और 5 को 25 का 25 को 5 का स्क्वायर तो आई का स्क्वायर आई हो गया तो 2 5 का स्क्वायर 5 तो मींस ये 5 आई कैसे आए समझे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं ओके स्टूडेंट इसके बाद कुछ नोट्स नोट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें वो देख लेते हैं द नंबर आई सैटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टी जो नंबर आई है ना जो हमारा एनर्जी नंबर आई है कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है आई इनटू 0 इसकी वैल्यू भी 0 होती है कोई भी मतलब आई का हमारा एक नंबर है कोई भी नंबर को हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है तो सिमिलरली आई की वैल्यू सेम वही को मेथड है सेकंड पॉइंट क्या है इफ ए बिलोंग्स टू आर अगर हमारा ए अगर रियल नंबर है देन अंडर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट पाई स्क्वायर सेम यहां पर कुछ बताया मैंने वही है अंडर रूट ऑफ माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट पाई स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर फिर आगे इसी अलग क्या थी प्लस माइनस ए इनटू आई कोई भी अगर रियल नंबर ए अगर रियल नंबर होगा देन अंडर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर विल बी आई इनटू ए प्लस माइनस आई कुछ हो सकता है अंडर रूट ना अंडर रूट क्या प्लस माइनस कुछ हो सकता है ये हमारा सेकंड पॉइंट है इसका थर्ड पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर क्या अगर ए और बी का रियल नंबर है एंड ए आई इज इक्वल टू बी आई ए और बी का रियल नंबर है और ए आई इज इक्वल टू बी आई देन ए इज इक्वल टू बी ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है ओके स्टूडेंट देख लो ये नोट डाउन कर लो ये स्टूडेंट अभी हम लोगों ने इमेजिन नंबर क्या होता है देख लिया तो इमेजिन नंबर क्या क्या होता है आपको समझा ना अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर ओके स्टूडेंट ये तो हमारा चैप्टर का नाम हो गया चैप्टर का नाम क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है क्या होता है वो देखते हैं अ नंबर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई चाहे कोई भी नंबर है कौन से अगर उसका फॉर्म a plus ib के फॉर्म में है वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स यहां पे a और b क्या है कांस्टेंट है और ये रियल नंबर है यहां पे एंड r इज i की वैल्यू i का इमेजिनरी नंबर है इमेजिनरी नंबर का क्या रहती है अंडर रूट -1 विद i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 वही है इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है a plus ib का कोई भी नंबर ऐसे फॉर्म में है तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं and is to n is usually denoted by z aur complex number ko hum log z se denote karte hain okay students to iska matlab jo definition kya bata raha hai that is z is equal to koi bhi complex number hai z usko hum z z se denote karte hain aur z kya hai a plus ib yahan pe a aur b hamara real number hai aur i ka value kya hai under root minus okay students aur sir yahan pe jo z is equal to a plus ib hai yahan pe a kya hai hamara a को हम बोलते हैं यहां पे a इज कॉल्ड ए रियल पार्ट ऑफ z ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है ना a क्या इसका रियल पार्ट है और b क्या है एंड b इज कॉल्ड a का रियल पार्ट है इसको r z से डिनोट करते हैं या फिर r z से और b क्या है b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर z b हमारा क्या इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर z का इसको डिनोट करते हैं i z से और i z से ओके स्टूडेंट नोट डाउन कर लो इसको अब स्टूडेंट कुछ एग्जांपल बताता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के उससे आपको समझ जाएगा पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपको समझ जाएगा पहला स्टूडेंट एक टेबल फॉर्म कर लो आप लोग टेबल ड्रा करना है आपको पहला इसमें पहला कॉलम क्या है z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है यहां पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल लिया हो फिर उसको हम देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib के फॉर्म में लिखो फिर a + ib में यहां पे हमारा रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है वो लिखना है तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पहला हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है एग्जांपल
फर्स्ट एग्जांपल 2 प्लस 4 आर ओके स्टूडेंट तो a प्लस i के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे सेम ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 4 आर यहां पे 2 क्या है हमारा रियल पार्ट है a है यहां पे 2 है और b क्या है 4 है तो a क्या है हमारा रियल पार्ट है और b क्या है इमेजिनरी पार्ट है तो rz क्या होता है रियल पार्ट यहां पे रियल पार्ट क्या होगा 2 और इमेजिनरी क्या पार्ट होगा प्लस 4 ओके स्टूडेंट सिमिलरली अब हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है 5r 5r ये भी क्या स्टूडेंट एक इमेजिनरी नंबर है सॉरी कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है अब इसको a plus ib फॉर्म में कैसे लिखूंगा स्टूडेंट ऐसे नंबर में 5 तो हमारा 5 into r ये क्या होगा इमेजिनरी पार्ट ही हो गया यहां पे रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट को 0 कंसीडर कर लो और इमेजिनरी पार्ट हमारा 5 आया तो 0 plus 5y स्टूडेंट इसको ऐसे लिखते हैं a plus ib फॉर्म में यहां पे हमारा रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट प्लस 5 है थर्ड एग्जांपल क्या है 3 प्लस 4 आ गया 3 माइनस 4 आ गया सेम इसको a प्लस i के फॉर्म में कैसे लिखूं a प्लस i 3 माइनस 4 आ 3 यहां पे हमारा इमेजिनरी पार्ट है माइनस 4 हमारे यहां पे इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट है 3 का है रियल पार्ट तो माइनस 4 अब स्टूडेंट हमारा फोर्थ एग्जांपल क्या है 5 प्लस रूट 16 root of minus 16 after 5 plus root of minus 16 root of minus 16 5 को कैसे लिखूं root of minus 16 को मैं i 4i लिख सकता हूं लिख सकता हूं minus 16 root down होता है minus i minus को मैं root के अंदर minus लेता हूं उसको मैं i square लिख सकता हूं और 16 को मैं 4 square लिख सकता हूं तो i square into 4 square का अंडर रूट 4i होगा तो स्टूडेंट हमारा इसको मैं a plus i की फॉर्म में लिख सकता हूं 5 plus 4 r यहां पे रियल पार्ट हो गया 5 इमेजिनरी पार्ट हो गया प्लस 4 और स्टूडेंट अब देखो हमारा लास्ट एग्जांपल क्या 7 plus root 2 7 plus root 2 स्टूडेंट ये दोनों देखोगे दोनों नंबर ये नंबर क्या है रियल नंबर है क्योंकि यहां पे इमेजिनरी पार्ट कुछ है ही नहीं यहां पे तो स्टूडेंट इमेजिनरी फॉर्म में a plus i की फॉर्म में ये कैसे होगा 7 plus root 2 ये रियल पार्ट हो गया इमेजिनरी पार्ट है नहीं तो उसको 0 कंसीडर कर लो तो 0 into r यहां पे हमारा रियल पार्ट हो गया 7 plus root 2 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 0 ओके स्टूडेंट ये कुछ एग्जांपल थे कॉम्प्लेक्स नंबर के टेबल फॉर्म कर लो ये स्टूडेंट अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो देखा है अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ओके क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की ए कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज 0 इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है जैसे यहां पे z है मतलब उसका रियल पार्ट यहां पे क्या रियल पार्ट 0 है तो ऐसे नंबर को हम प्योरली इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं या प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं ओके ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट उसका सेकंड पॉइंट क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0 इज अ रियल नंबर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका नहीं क्या अगर हमारा इमेजिनरी पार्ट भी अगर 0 हो गया तो ऐसे नंबर को हम ऐसा नंबर क्या होता है रियल नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है ओके थर्ड पॉइंट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर हुज बोथ रियल पार्ट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0 ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके बोथ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 है ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 0 कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं ओके स्टूडेंट फिर फोर्थ पॉइंट क्या है अ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कैन नॉट बी कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल टर्म क्या बोल रहा है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट को कभी हम कंबाइन करके एक सिंगल टर्म में नहीं लिख सकते हैं 2 plus 3i is equal to 5i कभी नहीं होगा 4 plus 7i इसको हम कंबाइन करके ऐड करके इसको कभी हम लोग 7i नहीं लिख सकते 11i नहीं लिख सकते हैं या 4 minus 2i को कभी हम 2i नहीं लिख सकते हैं ओके ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कभी नहीं होता है कैलकुलेशन
तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के। ओके स्टूडेंट, समझा आप लोगों को? कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट लेक्चर। बाय, हैव ए नाइस डे।